कोचिंग अभिषेक कोचिंग सर मैसेज यूट्यूब चैनल और आइए हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं लोको पायलट के फुल इन्फॉर्मेशन के बारे में। आप सभी लोग हमसे व्हाट्सएप पे पूछते रहते हैं, जो भी सवाल आपके जितने सारे डाउट होते हैं उन सभी डाउट को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, ताकि आपके मन में छोटी सी भी गलतफहमी ना रहे, ताकि आपको पूरा फोकस आपको पढ़ाई पे करनी पड़े, आपको मन में किसी भी तरह की कोई भी मतलब एक्स्ट्रा कोई भी आपको प्रेशर ना रहे। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। लोको पायलट आपको बनना है इसके बारे में जितने सारे स्टूडेंट से पूछते हैं सवाल, हम उसी चीज़ को बारे में आप लोगों से बात कर रहे हैं। सबसे पहले कि लोको पायलट कौन सा स्टूडेंट बन सकता है, तो जो भी स्टूडेंट अपना टेंथ की पढ़ाई पूरी कर चुका है, टेंथ की पढ़ाई पूरी कर चुका है वो लोग लोको पायलट बन सकते हैं। एक स्टेप ये हुआ, और टेंथ के बाद उन लोगों को एक टेक्निकल कोर्स करनी पड़ती है, टेंथ के बाद उनको एक टेक्निकल डिग्री की जरूरत पड़ती है, एक टेक्निकल डिग्री की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले वैसे डाउट को हम क्लियर करते हैं जो कि टेंथ एग्जाम को लेकर के आप लोग के मन में होती है। टेंथ का एग्जाम आप लोग बेसिक जहाँ से भी पढ़ाई की है स्कूली शिक्षा वो चीज़। तो देखिए टेंथ में जो है आपके जो मार्क्स होते हैं, सबसे पहले कि कम से कम कितना परसेंट नंबर चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ पासिंग चाहिए। रेलवे ऐसा कभी नहीं बोला है कि 50% वालों का लेंगे या फिर 70% या फिर 60%, वो परसेंटेज कभी नहीं मांगा है। उन्होंने क्या बोला है कि जो भी स्टूडेंट टेंथ में टेंथ एग्जाम को पास कर चुका है, चाहे उसका 30% नंबर ही क्यों ना हो, 35% नंबर ही क्यों ना हो, वो लोग एग्जाम को दे सकते हैं। अब इसमें एक डाउट और क्लियर करनी है मुझे कि बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा क्या होता है कि एक या दो सब्जेक्ट उसका क्रॉस लग जाती है टेंथ एग्जाम में, फिर उसको क्या होता है कि वो फिर से डिपार्टमेंटल एग्जाम से फिर से वो सप्लीमेंट्री एग्जाम से वो एग्जाम दे करके उस एक पेपर को क्लियर कर लेता है, फिर उसके पास एक फ्रेश सर्टिफिकेट आ जाती है। तो वैसे स्टूडेंट भी वो एग्जाम को दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तरह आपका टेंथ एग्जाम को लेकर के डाउट। अब देखिए अब है टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में। अब देखिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आप लोगों को कौन कौन सा क्वालिफिकेशन जरूरी है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आप लोग क्या पूछ रहे हैं। सबसे पहले कि ITI, ITI से रिलेटेड सारे डाउट पहले क्लियर कर लीजिए। ITI जो है वो NCVT होना चाहिए या फिर SCVT, NCVT और SCVT में स्टूडेंट लोगों का डाउट रहता है, तो NCVT और SCVT दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है लोको पायलट बनने के लिए। अगर आप करने वाले हैं ITI तो आप लोग NCVT सेलेक्ट करिएगा, इसके बारे में एक फ्रेश सा वीडियो हम बना चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई भी रहेगा चलेगा। उसके बाद अगला डाउट है कि ITI जो है गवर्नमेंट से करना चाहिए या फिर प्राइवेट से करना चाहिए, गवर्नमेंट ITI या फिर प्राइवेट ITI। अब देखिए आपका गवर्नमेंट ITI और प्राइवेट ITI दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों आपका NCVT या फिर SCVT सर्टिफिकेट दे सकती है। गवर्नमेंट से अगर आपको मिल जाए ITI तो सही है, अगर आपको प्राइवेट से मिल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सर्टिफिकेट बिल्कुल सेम होती है। और हाँ एक चीज़ एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि प्राइवेट का जो कॉलेज है उसका मान्यता होना चाहिए, उसका एक या दो साल पीछे का बैकग्राउंड आप लोग चेक कर लीजिए, या फिर आप उसको चेक कर लीजिए वेबसाइट पर कि वो रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है, या फिर बहुत बार ऐसा कि बहुत सारे कॉलेज का मतलब लाइसेंस कैंसिल हो जाती है और लेकिन स्टूडेंट वहाँ से ITI करके फंस जाते हैं, तो उसमें बस थोड़ी सी बात का ध्यान रखना पड़ता है। वैसे दोनों में कोई अंतर नहीं है, आप कर सकते हैं। यही दोनों डाउट था ITI से रिलेटेड। एक चीज़ और है इसमें डाउट आपका कि ITI का जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसमें कम से कम कितना परसेंट नंबर होना चाहिए, तो ऐसा रेलवे कभी नहीं पूछा है, उसमें बस आपकी क्या होनी चाहिए पासिंग चाहिए, यानी कि कुछ नहीं, आपको कितना भी परसेंट नंबर है कोई दिक्कत नहीं है, आपका बस वो पासिंग होना चाहिए वो पेपर। उसके बाद अगला जो आप लोगों का डाउट है अप्रेंटिस को लेकर के, यानी कि आप लोग का अप्रेंटिस लोको पायलट फॉर्म भरने के लिए अप्रेंटिस जरूरी है या फिर नहीं जरूरी है। अगर आप लोग के पास टाइम है अप्रेंटिस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अप्रेंटिस ज़्यादा फायदा आपको प्राइवेट नौकरी मिलती है, क्योंकि अप्रेंटिस से आपको क्या होता है एक साल का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाती है और कोई भी कंपनी जो है एक्सपीरियंस खोजती है। तो अप्रेंटिस लोको पायलट फॉर्म भरने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, आपके पास ITI है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला डाउट हम आप लोग को बता रहे हैं कि ITI अगर आप लोग नहीं कर, हाँ एक चीज़ और डाउट जो कि बहुत सारे लोग उनसे पूछते हैं वो डाउट ये है कि आप लोग ITI कर रहे हैं, तो ITI जो करना है वो टेंथ के बाद, यानी ITI जो है
क्या टेंथ के बाद किया जा सकता है, आईटीआई जो है वो टेंथ के बाद किया जा सकता है। अब आईटीआई किसी स्टूडेंट का आईटीआई जो टेंथ पास कर चुके हैं वो नहीं किए और वो अगले साल इलेवेंथ में आ गए, अभी वो इलेवेंथ में पढ़ रहे हैं, उसके बाद वो आईटीआई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, फिर भी वो आईटीआई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आईटीआई जो है आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट अगर आपके पास है वो आप कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं, उसमें कोई भी उम्र की कोई भी बाध्यता नहीं है, आप कर सकते हैं बिल्कुल। तो इसमें भी आपका डाउट सारे क्लियर हो गए। क्या कॉमर्स वाले लोकपाल बन सकते हैं? कॉमर्स साइंस ये सब से कोई मतलब नहीं है, बस शर्त है कि आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो ये सारे रहे आपके पास डाउट जो कि आईटीआई से रिलेटेड है। और हाँ, अब बहुत जरूरी चीज कि आईटीआई में जो है वो कौन सा ट्रेड आपका चलेगा। आईटीआई का जो सबसे बेस्ट ट्रेड है, वैसे ये जो आईटीआई में कितने सारे ट्रेड या फिर लोको पायलट को कैसे बनना है, हमने एक किताब लिखी है बिकम लोको पायलट, उसको आप okjana.com एक वेबसाइट मैंने बनाई है okjana.com। इस वेबसाइट पर जाकर के आप उस बिकम लोको पायलट किताब को खरीद करके आप, हमने वहां पे बताया कि लोको पायलट क्या सब काम करते हैं, लोको पायलट सिलेक्शन कैसे होते हैं, आपके सारे डाउट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप उसमें पढ़ सकते हैं। खैर ये तो रही बात, अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि इसका जो ट्रेड है वो कौन सा ट्रेड से आपको आईटीआई करनी पड़ेगी। तो वो जो है आपका है इलेक्ट्रीशियन, वो नंबर वन पे है, नंबर टू पे है आपका फिटर, नंबर थ्री पे है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक रेडियो टीवी, इस तरह से एक है एक साल वाली आईटीआई जो कि है आपका डीजल मैकेनिक। तो अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो आप डीजल मैकेनिक्स करिए, अगर आपकी उम्र जो है 22 साल 23 साल उससे कम है तो आप लोग को दो साल वाली आईटीआई करनी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन या फीटर। दोनों में से अगर आपको चुनने पड़े तो आप लोग इलेक्ट्रीशियन को सिलेक्ट करिएगा, वैसे फीटर भी कोई बुरी बात नहीं है, अगर इलेक्ट्रीशियन 100% है तो फीटर भी 95% है, ठीक है। तो ये रहा आपका ट्रेड, बेस्ट ट्रेड हो गया आपका यहाँ पे। और जो आपके हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं आप लोगों की तरफ से, क्या अगर कोई स्टूडेंट आईटीआई नहीं करके कौन सा कोर्स करे तो वो लोको पायलट बन सकता है? तो देखिए आईटीआई करिए, आप लोग आईटीआई करिए, आपके पास टेक्निकल डिग्री में जो है आईटीआई का है तब भी चलेगा। अगर आपके पास आईटीआई का डिग्री नहीं है आप आईटीआई के बदले में पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। आईटीआई के बदले में आप लोग पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं, आपके पास आपको आईटीआई करने का मन नहीं है पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। अब एक सवाल और उठा कि तो हमको करना ही है तो लोको पायलट बनना है, तो हमको आईटीआई और पॉलिटेक्निक में से अगर हमको सेलेक्ट करना पड़े तो कौन सा दोनों में सबसे बेस्ट है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग को सिर्फ और सिर्फ लोको पायलट ही बनना है, आपका एम है ड्रीम है बचपन से कि हमें नहीं कुछ, हमको सिर्फ लोको पायलट ही बनना है, लोको पायलट के अलावा कुछ भी हमको मंजूर नहीं है, तब आपके लिए बिल्कुल एक सस्ती सी कोर्स है आईटीआई, इसकी पढ़ाई भी इजी होती है, तो आप आईटीआई कर लीजिए। अगर आपको ये है कि हम लोको पायलट भी बन जाए, लोको पायलट बनेंगे ही बनेंगे, अगर हमको जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर का भी एग्जाम देना है तो हमको जूनियर इंजीनियर भी चलेगा, लोको पायलट भी चलेगा। अगर लोको पायलट से अच्छा है, अच्छा पोस्ट होता है जूनियर इंजीनियर, तो आप पॉलिटेक्निक कर लीजिए। पॉलिटेक्निक जो है वो 3 साल वाली कोर्स है, 3 ईयर की कोर्स है, तो पॉलिटेक्निक भी आप कर सकते हैं। अब देखिए पॉलिटेक्निक में ऐसा कौन सा ब्रांच है, देखिए आईटीआई में जो सब्जेक्ट लेकर पढ़ते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड, क्योंकि आईटीआई जो है आपके सब्जेक्ट की ट्रेनिंग होती है, लेकिन पॉलिटेक्निक में आपके सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, वह एक इंजीनियरिंग, बीटेक इंजीनियरिंग होती है 4 साल की, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग होती है आपका 3 साल की, 3 साल की। और जो चीज़ आप लोग बीटेक में पढ़ाई करते हैं वही चीज़ आपको पॉलिटेक्निक में पढ़ाई करनी पड़ती है, बिल्कुल सेम बुक से पढ़ाई होती है, सेम सब्जेक्ट होती है, बस वही है कि उसमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो 4 साल की, वो ग्रेजुएशन कोर्स है और ये डिप्लोमा कोर्स है। तो पॉलिटेक्निक और आईटीआई दोनों में आपको अंतर समझ में आ रहा है कि कौन सा है। अगर आपको सिर्फ उसमें लोको पायलट ही बना तो आप आईटीआई कर लीजिए, अगर आपको लोको पायलट के अलावा बीटेक भी करना है आपको आगे जा करके, या फिर हो सकता है आपको जेई बनना है, तो आप पॉलिटेक्निक कर लीजिए। दोनों में जो सबसे बेस्ट है वो है पॉलिटेक्निक। जनरली आपको अगर लोको पायलट बनना है तो दोनों में सबसे बेस्ट है आईटीआई। तो अब देखिए, अब है कि पॉलिटेक्निक किसी भी ब्रांच से नहीं कर सकते, अब पॉलिटेक्निक जैसे आईटीआई में ट्रेड होती है उसी तरह से पॉलिटेक्निक में ब्रांच होती है।
तो अब आपको पॉलिटेक्निक जो है कौन से ब्रांच से करनी है। बेसिकली देखा जाए तो लोको पायलट का जो पोस्ट है वो स्पेशली आईटीआई के स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है, लेकिन उसको पॉलिटेक्निक का भी मान्यता मिला चूंकि आईटीआई से सीनियर कोर्स है पॉलिटेक्निक। तो अब देखिए पॉलिटेक्निक में कौन सा ऐसा ब्रांच है जिससे आपको करना चाहिए, कौन सा ऐसा ब्रांच है जिससे आपको पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहिए लोको पायलट बनने के। वैसे आपको दूसरा चीज करना है तो आप हमें इस वीडियो पे मिलते ही नहीं। तो देखिए देखिए पॉलिटेक्निक जैसे कि आईटीआई का जो ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, उसी से रिलेटेड है पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स एक अलग से होती है, तो ये तीन तरह का है जो कि इलेक्ट्रिक से संबंधित है। इसके बाद देखिए आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ट्रैक्टर इंजीनियरिंग और बहुत सारे तरह के ट्रेड जो कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से रिलेट करते हैं। तो इससे आपको पॉलिटेक्निक कर सकता है या फिर आईटीआई कर सकता है या फिर बीटेक और पॉलिटेक्निक में कोई अंतर नहीं है, ब्रांच वगैरह सबको सेम होता है। तो जो आपका ब्रांच है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब ब्रांच से आप बीटेक करिए या फिर पॉलिटेक्निक करिए, बात बराबर है। अब इसमें जो सारे बहुत सारे डाउट आते हैं जैसे कि अब देखें सिविल वाले स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग से जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक या फिर पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक कर लिए या फिर बीई कर लिए हैं, वो लोग लोको पायलट का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे नहीं, लोको पायलट का फॉर्म वो लोग अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन जब लोको पायलट की फॉर्म निकलती है तो दोनों का अब टेक्नीशियन का जो पोस्ट था लोको पायलट के बिल्कुल साथ में निकलती है, तो उसमें वो फॉर्म डाल सकते हैं टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। लोको पायलट और टेक्नीशियन का जो पोस्ट है दोनों कंबाइंड वैकेंसी होती है, दोनों का एग्जाम वगैरह बिल्कुल सेम होता है। बस अंतर यही होता है कि सीबीटी वन सीबीटी टू लोको पायलट में भी होती है, टेक्नीशियन में भी होती है। और लोको पायलट बनने के लिए आपको आपको क्या होता है कि एक साइको टेस्ट देनी पड़ती है और आपको टेक्नीशियन के लिए साइको टेस्ट नहीं देनी पड़ती है। दोनों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, दोनों में कौन बेस्ट है, कैसे सिलेक्शन होती है दोनों में, अगर आपको सिलेक्शन दोनों में चाहिए तो कैसे एक साथ कर सकते हैं अगले वीडियो में बताएंगे। सिविल से या फिर कंप्यूटर साइंस से, सिविल से या फिर कंप्यूटर साइंस से आपका अगर पॉलिटेक्निक है या फिर बीटेक है तो आप लोको पायलट फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, हाँ टेक्नीशियन फॉर्म अप्लाई जरूर कर सकते हैं। अगर आपका वही आईटी सेक्टर है या फिर कंप्यूटर सेक्टर है आपका आईटीएम है तो आप लोको पायलट के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, हाँ उसका अगर टेक्नीशियन पोस्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये रहे आपके सारे डाउट टेक्निकल क्वालिफिकेशन को लेकर के, बेसिक क्वालिफिकेशन आपका मैट्रिकुलेशन है। अब एक और चीज आती है हमसे सवाल पूछते हैं लोग कि 12 करने के बाद क्या लोको पायलट कोई स्टूडेंट जो है मैट्रिक के बाद पॉलिटेक्निक कर लिया या फिर आईटीआई कर लिया, क्या उसको 12 करना जरूरी है, क्या उसको पीसीएम से 12 करना जरूरी है? तो ऐसा कोई जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। मैट्रिक प्लस टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो भी है आपके पास है, इसके अलावा आपके पास कोई भी डिग्री है चलेगा, उससे रेलवे को कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास डिग्री है तो आपको वहाँ पे शो करनी पड़ती है, वो आपकी मर्जी है, आप शो कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। ओके, ये रहा आपका सारे के सारे डाउट जो कि आपके थे टेक्निकल क्वालिफिकेशन को लेकर। अब हम डाउट क्लियर करते हैं आपके एज को लेकर, यानी कि उम्र आपकी कितनी चाहिए लोको पायलट के लिए। तो अब देखिए हम लोग एज के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि कितना साल से लेकर के कितने साल के लोग जो है वो लोको पायलट या फिर टेक्नीशियन या फिर इंडिया किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं लोको पायलट के लिए एज लिमिटेशन कितनी है। अब क्या है कि 2018 में जो वैकेंसी निकली थी उसमें रेलवे ने एज को, पहले जो एज थी वो थी 18 से लेकर के 30 साल, जनरल जो है 18 से लेकर के 30 साल थी। लेकिन क्या होता है कि भारत के आरक्षण सिस्टम में वो 3 साल की छूट मिलती है आपका ओबीसी को, ओबीसी को जो है वो 3 साल की छूट मिलती है और 5 साल की छूट मिलती है एससी एसटी कैंडिडेट को, एससी एसटी कैंडिडेट को मिलती है 5 साल की छूट। इसके अलावा छूट मिलती है एक्स सर्विसमैन को और जम्मू कश्मीर के नागरिक को, तो उसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं। तो उसके बारे में भी हमने वो जो बिकम लोको पायलट बुक है उसके बारे में मैंने वहाँ पे चर्चा किया है, इस वीडियो में उसकी चर्चा नहीं करेंगे। एज लिमिटेशन जो है 18 से लेकर के 30 साल पहले थी जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को। इसके बाद जब वैकेंसी निकली तो क्या किया गया कि इस 18 साल की एज को यानी कि घटा करके 18 साल से लेकर के 28 साल कर दिया, 18 से लेकर के 28 साल कर दिया। तो इसके बारे में बहुत सारा हंगामा हुआ और रेलवे को ये नियम वापस लेना पड़ा और इस 28 साल को फिर से 30 साल कर दिया गया, इसको फिर से 30 साल कर दिया गया।
देखिए इस 28 साल को जो है अभी जो है वर्तमान में जो है वो 18 साल से लेकर के 30 साल की उम्र तक कोई भी व्यक्ति लोको पायलट फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद 10th और टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब जो स्टूडेंट ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए जो है उम्र है 18 साल से लेकर के 3 साल आपका एक्स्ट्रा यानी कि 33। जो स्टूडेंट एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका जो है एज लिमिटेशन है 18 साल से लेकर के 35 साल। ये रहा आपका एज लिमिटेशन संबंधित सारे के सारे डाउट क्लियर। अब हम डाउट क्लियर कर रहे हैं आपका मेडिकल को लेकर के कि आपके मन में कितने सारे सवाल होते हैं मेडिकल को लेकर के। बहुत सारे लोग भ्रम में रहते हैं बहुत सारे ऐसी चीज़ों के लिए, तो उन सभी छोटी मोटी चीज़ों को हम इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आगे बढ़िए इस वीडियो में। तो अब देखिए मेडिकल को लेकर के, मेडिकल का जो लेकर के सबसे पहला हमारे पास जो सवाल आता है वो है एएमपी का जो मेडिकल होता है उसकी कैटेगरी होती है ए वन कैटेगरी होती है, यानी कि रेलवे में सबसे टफ मेडिकल जो होता है वो होता है लोको पायलट का। अब देखिए अब दूसरा जो सवाल आता है कि आर्मी का मेडिकल बहुत हार्ड होता है, यानी कि इंडियन आर्मी में जब आपकी भर्ती होती है जब आपकी रनिंग होती है तो उस आर्मी का मेडिकल और लोको पायलट के मेडिकल में अंतर होता है क्या? हाँ, आर्मी के मेडिकल और लोको पायलट के मेडिकल में जमीन आसमान का अंतर होता है। आर्मी के मेडिकल में अगर आपका बांह ऐसे किए थोड़ा सा भी टेढ़ा है या पैर आप सकाड़ रहे उसमें भी टेढ़ा कुछ निकल गया थोड़ा सा फॉल्ट तो आपको आर्मी के मेडिकल को पास नहीं माना जाएगा, लेकिन लोको पायलट में ये सब चीज़ों को नहीं देखता है। अब क्या है कि इसमें आपके जितने सारे जो डाउट होते हैं वो चीज़ हम आप लोगों को क्लियर कर रहे हैं। तो देखिए अब ये आर्मी के मेडिकल जैसा बिल्कुल भी नहीं होता, इसका A1 मेडिकल होता है। नंबर 3 जो है हाइट को लेके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं हम लोगों से कि अच्छा ये ठीक है। हाइट को लेकर के जो सवाल पूछते हैं कि कम से कम कितना हाइट होना चाहिए, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारी हाइट बहुत कम है तो क्या हम लोको पायलट को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए लोको पायलट के लिए जाने के लिए कहीं पर भी हाइट की चर्चा किया ही नहीं गया कि इतना से इतना हाइट चाहिए, तो इसमें हाइट का कोई चर्चा नहीं है, बिल्कुल भी चर्चा नहीं है। तो आप लोग हाइट को ले और आपकी हाइट कम है या फिर ज़्यादा है उससे कोई मतलब नहीं है लोको पायलट के लिए, ठीक है। अब जो अगला जो हमसे जो डाउट पूछे जाते हैं कि मेडिकल से रिलेटेड, देखिए ये बिल्कुल कॉमन सा चीज़ है और स्टूडेंट लोग इसमें बिल्कुल फंसे रहते हैं। अब देखिए अगला जो चीज़ है वो है आपका सरम। क्या होता है बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हाथों में या फिर गले पे या फिर शरीर के किसी पार्ट बॉडी पार्ट में वो टैटू बनवा लेते हैं, तो टैटू बनवाने से क्या मेडिकल पे कोई इफेक्ट पड़ता है? बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होती है। बहुत सारे लोग ऐसा बनवा लेते हैं और फिर उसके दोस्त या फिर उसके पेरेंट या फिर उसके टीचर, हो सकता है कहीं से कोई भी उसको जानकारी मिलती है कि अगर आपके पास बॉडी में टैटू है कहीं आपने बनाया हुआ है तो क्या आपका लोको पायलट का जो मेडिकल वो फिट होगा या फिर अनफिट होगा। तो ऐसा कोई आर्मी में नियम होता है लेकिन लोको पायलट में ऐसा कोई नियम नहीं होता है। अगर आपकी बॉडी पे टैटू है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, लोको पायलट आपका मतलब मेडिकल प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होगा। आप बिल्कुल लोको पायलट में जा सकते हैं, आपको उसके बारे में कोई भी नहीं कुछ पूछेगा कि आपके बॉडी में टैटू क्यों है, अगर आपका स्टॉप टैटू है तो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब कुछ है। तो अब हम आप लोगों से बेसिकली बात कर लेते हैं कि ये सारे के सारे डाउट थे जो कि आप लोग हमसे अक्सर पूछते थे, बिल्कुल छोटी सी बात इसका कोई मतलब भी नहीं बनता लेकिन अगर आपके मन में डाउट है तो आपकी पढ़ाई इसमें प्रभावित होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि लोको पायलट का जो मेडिकल होता है इसमें आप लोगों को कौन कौन सी बात का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए सबसे पहली बात कि इसमें जो चेक होती है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होती है, वो होती है आपके आई। आंखों का बहुत सारे तरह का टेस्ट होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो आंखों का ही टेस्ट होता है आई। आई में क्या होता है आपके पास सनग्लासेस नहीं होने चाहिए, आप अगर सनग्लासेस लगाते हैं तो आपका जो आंख का जो चेकअप होगा वो सनग्लासेस के बिना होगा। ग्लासेस जो कि पावर वाले ग्लास होते हैं चश्मा होते हैं, तो अगर आपके पास चश्मा लगा हुआ है तो आप लोको पायलट का मतलब मेडिकल दे ही नहीं सकते। आपका जब भी आंख का चेक होगा आपका चश्मे का बिना होगा, ठीक है। तो आंख बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होती है वो होते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अगर आपके
मोबाइल में कलर ब्लाइंडनेस, क्या हम बोल रहे हैं, आपके अगर आंख में कलर ब्लाइंडनेस का सिस्टम इनेबल है तो आप मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस ऐसी चीज़ होती है, एक छोटी सी फॉल्ट होती है हमारी आंखों के, जो कि एक शंकु कोशिका होती है, कौन सेल होती है, जिसके मतलब कि उसी से ये इफेक्ट होती है कि रेड और ग्रीन में थोड़ा सा अंतर उसको पता नहीं चल पाता है, तो वो कलर ब्लाइंडनेस आपके मतलब कि आपके आँख में नहीं होनी चाहिए। तो कलर ब्लाइंडनेस का चेक होता है मेन रूप से, उसके बाद क्या होता है आँख जो होता है 6x6 का चेक होता है, 6x6 मतलब आपका आँख होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है 6x6 का मतलब क्या होता है कि आपके जो आँख है और एक कोई ऑब्जेक्ट है उसके बीच का जो दूरी होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, वो होना चाहिए 6 मीटर, 6 मीटर, 1 मीटर और 6 मीटर। 1 मीटर होते 100 सेंटीमीटर, 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर, 6 मीटर की दूरी से आपको जो दिखना चाहिए वो दिखना चाहिए 6 mm, यानी कि 6 mm की चीज़ें आपको दिखनी चाहिए। इसकी जो आपकी चेकअप होती है, आपके एक आँख में एक तरह की चश्मा होती है जिसमें एक आँख में पूरी तरह से आपको ऐसे ढक दिया जाता है, चश्मा में शटर लगा दिया जाता है, और दूसरा आँख को आपको खुला रखना पड़ता है, और 6 मीटर की दूरी से 6 mm की चीज़ को आपको देखना पड़ता है। उसमें क्या आपको दिखाता है, इस तरह से आपको यहाँ पे सी लिखता है वहाँ पे, और आपको ये बताना होता है 6 मीटर की दूरी से इसका जो साइज होता है वो 6 mm की साइज होती है। इसमें आपको ये बताना पड़ता है कि ये जो है सी का जो मुंह जो खुला हुआ है वो कौन से साइड में खुला, आपको लेफ्ट राइट अप एंड डाउन आपको बोलना पड़ता है, या फिर इसको दाहिने बायां ऊपर और नीचे आप लोग बोल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे है आपको 6 मीटर की दूरी है तो आपको यहाँ पे बोलना क्या है कि वो आपसे डॉक्टर पूछेंगे कि कौन से साइड में इसका खुला हुआ है, आपको बस ये बताइए जो है ये कौन से साइड में आपका ये चीज खुला हुआ है, इस तरह से कौन से साइड में ये चीज, ये जो है मुख वो कौन से साइड में खुला हुआ है, इसके बारे में पूछा है तो आप बोले क्या राइट साइड में यानी कि दाहिने साइड में, इसके बारे में पूछा है तो बोले अप साइड यानी ऊपर साइड, इसके बारे में बोले तो लेफ्ट साइड यानी कि नीचे साइड, इसके बारे में अगर पूछा है तो आपको बोलेगा सॉरी इसके बारे में लेफ्ट साइड यानी कि बाएं साइड, इसके बारे में नीचे यानी कि डाउन साइड, और एक और चीज देता है जो कि फंसाने के लिए वो देता है कि एक ऐसा देता है जिसमें किसी भी साइड में खुला हुआ नहीं रहता, तो आपको बोलना है कि किसी भी साइड में नहीं। इस तरह से 5 आपको फिगर दिखाता है, बोलता है 6x6 का इसी तरह चेक हो जाता है एक आंख से, फिर दूसरे आंख से भी इसी तरह से इसका चेक लिया जाता है। यही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ और चेक करता है जैसे कि कभी कभी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, ऐसा शहर के ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है कि उनके लाइफ स्टाइल की वजह से, या फिर शहर में कितने सारे पॉल्यूशन होते हैं इस वजह से, या फिर उनके लाइफ स्टाइल जो होते हैं वो एक रूम तक ज़्यादातर सीमित रहती है, तो उसमें वैसे आंखों की प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, गांव के बच्चों को भी हो सकती है, शहर के बच्चों की भी हो सकती है। अब दोनों जगह की लाइफ स्टाइल लगभग में सेम हो रही है, पॉल्यूशन में दोनों जगह बिल्कुल सेम हो रही है लगभग में। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि आँख में एक होता है लेजर, लेजर से ऑपरेशन करवाने पे क्या होता है ऊपर आँख का एक ऊपर का जो परत होता है उसको हटा दिया जाता है, वैसे मुझे नहीं ज़्यादा डीप में होता कि वो एक्चुअल में होता क्या है। तो लेजर ऑपरेशन करवाने पे आपका जो आँख का जो मतलब देखने का जो पावर है वो 5-6 महीने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपके आँख में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वो सब दूर हो जाती है। तो उसके लिए वहाँ पे एक दवा डाल करके चेक करता है डॉक्टर कि अगर आपने लेजर मतलब से ऑपरेशन अगर आपके आँख का किया हुआ है तब आपका नहीं लेगा। हाँ अगर कभी आपके आँख में मोतियाबिंद हो गया था उसका ऑपरेशन अगर हुआ है अभी आपका आँख जो बिल्कुल सही से काम कर रहा है तो वो सबसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये रहा आपका मेडिकल संबंधित, ये रहा आँख सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और 70% स्टूडेंट जो सिलेक्ट होते हैं आँख की वजह से, और 70% स्टूडेंट जो है अगर छंटते हैं तो आँख की वजह से। दूसरी जो चीज़ होती है वो आपके हार्ट चेकअप, आपका हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और हार्ट यानी कि आपका जो हार्ट का चेक होता है, इसके अलावा आपको आपके पास जो है कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए जैसे कि कैंसर वगैरह, ये सब नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके मन में नॉर्मली अगर फिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में देखा जाएगा, आप उसके बारे में थोड़ी सी भी टेंशन नहीं लीजिए। तो ये रहा आपका मेडिकल से संबंधित डाउट। अब हम आप लोगों के डाउट क्लियर करते हैं कि इसका जो प्रोसेस होता है एग्ज़ाम को लेकर के, एग्ज़ाम इसके बाद आपको फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम तक, एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब क्या होती है हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। तो देखिए अब ये तो रहा आपका मेडिकल से संबंधित, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं वेरिफिकेशन को लेकर के। वेरिफिकेशन
तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या लोको पायलट में इंटरव्यू होता है? तो लोको पायलट में इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग लगता है कि इंटरव्यू होता है वेरिफिकेशन के मानते। वेरिफिकेशन में मतलब क्या होता है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाया है वही सिर्फ डॉक्यूमेंट का चेकअप होता है, और उसमें मेन रूप से आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट देखा जाता है, आपके मैट्रिक का एडमिट कार्ड या फिर मैट्रिक का मार्कशीट ये सब नहीं देखा जाता। मेन रूप से मैट्रिक का सर्टिफिकेट, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाता है, कभी कभी मार्कशीट की भी मांग की जाती है। वैसे ये सब चीज़ डॉक्यूमेंट आपके पास तो रहता ही, लेकिन आपको जो लिस्ट भेजता है उसी के अनुसार आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करनी पड़ती है। तो वही मैट्रिक का मेन सर्टिफिकेट हुआ, आईटीए का सर्टिफिकेट हुआ, उसमें आपका कितना मार्क्स है ये सब चीज़ नहीं, उसमें बस डेट ऑफ बर्थ चेक करता है, आपका क्वालिफिकेशन चेक करता है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेता है आपका बेसिक क्वालिफिकेशन और आपका डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म करने के लिए। आईटीए का सर्टिफिकेट सिर्फ देखता है आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन को मतलब कि वेरीफाई करने के लिए। इसके अलावा अगर आपने ओबीसी एससी एसटी या फिर किसी एक्स्ट्रा चीज़ का फायदा उठा रहे, आरक्षण का तो या फिर एज लिमिटेशन का फायदा उठा रहे, तो आपको ओबीसी या फिर एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट देखता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी मतलब उसके द्वारा साइन किया हुआ चाहिए, अनुमंडल से या फिर जिला स्तर से, तो वो सर्टिफिकेट देखता है। तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं देखा जाता है वेरीफिकेशन, बस 10 मिनट का काम होता है, ज़्यादा उसमें समय भी नहीं लगता है। बस आप जाइए नंबर में लगी जाओ, अगर नंबर आए तो जो दो ऑफिस में उसकी चेकअप होती है, एक होता है उप सचिव का एक होता है सचिव का, तो दोनों जगह पे जा करके जहाँ पे ये सब बिल्कुल नॉर्मल सी, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इंटरव्यू के बाद क्या होता है, आपको ज्वाइनिंग के लिए वेट करना पड़ता है। इंटरव्यू के बाद होता है मेडिकल, और मेडिकल वाला आपको ज्वाइनिंग के लिए वेट करना पड़ता है। ज्वाइनिंग लेटर जॉब को मिलती है, तो जैसे ऑल ओवर इंडिया में ट्रेनिंग सेंटर कहीं भी हो सकता है, अगर आपने पटना के लिए फॉर्म भरा है तो अगर आपका बिलासपुर में अगर खाली है तो वहाँ भी आपको भेज सकता है, उसकी मर्जी है, सिलीगुड़ी भेज सकता है, कहीं भी वो आपको ट्रेनिंग के लिए भेज सकता है। ट्रेनिंग इसकी होती है 150 दिन यानी 150 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों तरह की ट्रेनिंग शामिल होती है। टोटल इसमें 6 महीने का समय लगता है, बीच में छुट्टी वगैरह नहीं मिलती है, संडे वगैरह की छुट्टी कभी कभी मिल जाती है, संडे की छुट्टी तो मिलनी ही मिलनी है, और आपको ट्रेनिंग को छोड़ के बीच में नहीं आना होता है, आपको ट्रेनिंग पीरियड में आपको वहीं पे रहना होता है। आपको ट्रेनिंग के रूप में आपको लगभग में आधा वेतन आपको मिलता है 6 महीने तक। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको घर नहीं बैठना होता है, बस ट्रेनिंग के जस्ट बाद आपको आपको डिवीजन या फिर आपको जहाँ पे आपकी ड्यूटी है वो आपको दे दी जाती है, फिर आपकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। जब आपकी ड्यूटी शुरू होती है असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में, आपको लोको पायलट के साथ आपको काम करना होता है, और आपको असिस्टेंट के रूप में आपको कोई भी गाड़ी दी जा सकती है। आपको मालगाड़ी मिलती है, पैसेंजर गाड़ी, एक्सप्रेस ट्रेन, इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन, राजधानी एक्सप्रेस, ये सब में से कुछ भी आपको मिल सकता है। कोई भी ट्रेन को आप देखिए तो दोनों जगह पे एक असिस्टेंट होता है, एक मेन लोको पायलट होता है। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमने लोको पायलट बीकम लोको पायलट बुक में हमने लिख रखी है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आप लोगों के एग्जाम को रिलेटेड, एग्जाम से लेकर के कि जैसे आप लोगों ने फॉर्म भरने से लेकर के एग्जाम तक की बात हम आप लोगों को बता देते हैं। अब देखिए एग्जाम से संबंधित जो आपके पास जो डाउट होते हैं वो हम आप लोगों के क्लियर कर देते हैं। नंबर वन, अब लोको पायलट के लिए आपको क्या सब करने है? आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है। इसके बाद आप जब फॉर्म जब निकलती है तो आपको फॉर्म अप्लाई करनी पड़ती है ऑनलाइन। इसकी जानकारी आप लोगों को कहाँ से मिलेगी, फॉर्म भरने की जो जानकारी कहाँ से मिलेगी, वो रेलवे भर्ती बोर्ड 21 रेलवे भर्ती बोर्ड का जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पे फॉलो करते रहिए तो आपको जानकारी मिल जाएगी। वैसे लोको पायलट का या फिर रेलवे का कोई भी पोस्ट होता है इतना ज़्यादा पॉपुलर होता है कि जैसे वैकेंसी निकलेगी आपके पास, आपके मम्मी पापा, आप इंडिया के किसी भी पार्ट में रहते हैं, आपके मम्मी पापा, दोस्त या फिर कोई भी आपके व्हाट्सएप पे, फोन पे या फिर कोई ना कोई आपको एक घंटे के अंदर जरूर आपको बता देगा कि चलो यार वैकेंसी निकल गई, तो इसके बारे में कभी चिंता मत कीजिए कि फॉर्म निकलेगी हमें पता कैसे चलेगा ये सब कुछ नहीं। वैसे अगर आपको पता करनी है तो आप आरआरबी की वेबसाइट को चेक करते रहिए, या फिर आप यूट्यूब पे हमें फॉलो करिए, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, हम आपके नंबर को सेव कर लें, हमारा नंबर व्हाट्सएप पे आप सेव कर लीजिए, फिर जैसे ही फॉर्म निकलेगा हम उसमें स्टेटस लगा देंगे, आप हमारे स्टेटस को देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो फॉर्म आपको ऑनलाइन करनी होती है। फॉर्म जब आप ऑनलाइन करते हैं तो उसके बाद क्या होती है, आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। आपका एग्ज़ाम जो है
आपको किसी बोर्ड से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जितने सारे बोर्ड से वैकेंसी निकलती है आप अपने अनुसार उसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको टेक्नीशियन और लोकोपाल दोनों में से दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है तो क्या दिक्कत है सिलेक्ट करने में, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या होती है, जब एग्जाम डेट आती है तो आपको कहीं दूसरे शहर में जाकर के एग्जाम देना पड़ता है। हो सकता है आपका अपना ही शहर में एग्जाम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये एग्जाम जो होती है वो होती है CBT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको जो टेस्ट देना होता है वो कंप्यूटर पे देना है। टेस्ट इसका ऑब्जेक्टिव होता है और तीन तरह के इसमें टेस्ट होते हैं लोको पायलट में। तो सबसे पहले बात करते हैं CBT टेस्ट। CBT 1 इसको बोला जाता है। इसके जो प्रीलिम्स जो होते हैं टेस्ट, प्राइमरी टेस्ट होते हैं, जो पहला टेस्ट होता है वो होता है CBT 1 टेस्ट। इसमें आपको 75 यानी कि 60/75 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, ये सब क्वेश्चन आते हैं। इसके सिलेबस वगैरह की जानकारी हम आपको दूसरे वीडियो में दे चुके हैं या फिर अगले आने वाले वीडियो में देंगे। तो CBT 1 एग्जाम होती है, इसको आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर से आपको फॉर्म भरवाया जाता है। फिर इसके बाद आपको होती है CBT 2 एग्जाम होती है। CBT 2 एग्जाम में आपका दो पेपर होता है, 100 नंबर का और 75 नंबर का। CBT 1 एग्जाम जब आप पास करते हैं उसके बाद आपको फॉर्म भरवाया जाता है। उसमें आपको पूछा जाता है कि आप कौन से ट्रेड से एग्जाम देना चाहते हैं। तो एक होता है बेसिक पेपर जो कि 100 नंबर होती है, ग्रुप ए उसको बोलते हैं, उसको तो सभी लोग बिल्कुल सेम वही देंगे। दूसरा जो पेपर होता है वो आपके चॉइस से। चलिए, आपका जो CBT 2 टेस्ट है, ये CBT 2 टेस्ट में आपको बस पास करना है। इसके बाद आपका CBT 3 टेस्ट होता है जो कि साइको टेस्ट होता है, इसको पास करना है। बस आपके पास अगर तीनों एग्जाम आप पास करते हैं तो फिर आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाता है। वेरिफिकेशन में आपका मेडिकल होता है, मेडिकल बाद ट्रेनिंग वगैरह ये सब चीज़ें हो जाती है। ये तो रही आपका लोकोपाल बनने का पूरा प्रक्रिया, आपके सारे डाउट। अब आपको बता रहे कि इसकी तैयारी आप लोगों को किस तरह से करनी है। प्रिपरेशन आपके बेसिकली एग्जाम की करनी है, CBT 1, CBT 2 और CBT 3 एग्जाम की। CBT 1, CBT 2 और CBT 3। CBT 1, CBT 2 और CBT 3 ये एग्जाम की आपको तैयारी करनी है। इसमें जो सब्जेक्ट मेन जो सब्जेक्ट है वो है मैथ, रीजनिंग, साइंस, GK, करंट अफेयर्स। इसके अलावा आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और आपका ट्रेड टेस्ट, ये आपको 7 सब्जेक्ट हैं। लेकिन इसमें सब्जेक्ट अगर गिनती करेंगे तो 12-14 हो जाते हैं। जैसे कि 8 पेपर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बेसिक GK, ये आपका 5 टॉपिक है। साइंस में आप लोग देखिए इसमें 5 टॉपिक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। 5 टॉपिक आपका साइंस में है, 5 टॉपिक आपका 8 पेपर में है, 6 टॉपिक आपका 8 पेपर में, एक गेम GK भी ले सकते हैं। 11 टॉपिक आपका बेसिक हो गया साइंस। इसके बाद देखिए आपका मैथ है, रीजनिंग है, इसके अलावा फिर आपका है ट्रेड टेस्ट और इस फिर है एक पेपर और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो कितना हुआ, 6, 5, 11, 12, मैथ 12, रीजनिंग 13, ट्रेड टेस्ट 14 और आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 15। यानी टोटल आपको 15 बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, 15 बुक्स आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब इतने सारे बुक को आपको पढ़ना है ये सभी एग्जाम को पास करने के लिए, 16वां बुक आप ले सकते हैं साइको टेस्ट के लिए। यानी कि आपको टोटल 16 बुक आपको पढ़ना पड़ेगा CBT 1, CBT 2 और CBT 3 के लिए। ये सभी बुक्स कौन से, बहुत सारे पब्लिकेशन हैं इंडिया में जो कि ये सब बुक पब्लिश करती है, आप लोग इसके बुक को लेकर के पढ़ सकते हैं। जो कि है, मैं आपको उसका नाम जो पॉपुलर जो कि लुसेंट पब्लिकेशन, फिर देखिए प्लेटफॉर्म द प्लेटफॉर्म रूप मिनी पब्लिकेशन है, फिर आपका आगरा से निकलती है उपकार पब्लिकेशन, और इसके अलावा फिर SPD है, टॉप स्पीड है, स्पार्क है, और इसके अलावा फिर बहुत सारे पब्लिकेशन हैं जो कि जैसे आगरा से निकलती है, इलाहाबाद से निकलती है, पटना से निकलती है, धनबाद से निकलती है, रांची में बहुत सारे पब्लिकेशन बुक्स आपको निकलती है। मेन रूप से जो जितने सारे बुक है वो पटना से निकलती है, वही सब ज़्यादातर वैल्यूएबल माने जाते हैं। अब हमने देखा कि जितने भी सारे बुक होते हैं किसी भी बुक में आपको ये नहीं पता है कि हमारे बुक में से ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको क्या करना है कि हमने इस सभी बुक को लेकर के या फिर हमने अपने एक्सपीरियंस के दम पे हमने ये सभी बुक्स के लिए मैंने मास्टर नोट्स लिखा। हम आपको सभी वीडियो में ये चर्चा करते हैं मास्टर नोट्स के बारे में। हमने मास्टर नोट्स को लिखा है सभी टॉपिक पे, हमने बहुत सारी किताबें लिखी है
मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बेसिक साइंस है, इंजीनियरिंग, इसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सब पे हमने बुक लिखी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आपको ये जो बुक्स है ये आपको मास्टर नोट्स उसका नाम है, तो सभी एग्जाम के लिए मैंने वो बुक लिखी है। आप इस बुक को लेकर पढ़ के, और हमारा इसमें दावा है कि आपको 90% तक क्वेश्चन जो है आपको हमारे इस नोट्स में से टच करेंगे। आपको इसकी बस आपको तैयारी कर लेनी है। 90% तक क्वेश्चन हमारे नोट्स में से ही आते हैं किसी भी रेलवे एग्जाम में, तो सभी एग्जाम को हम करवा सकते हैं। और स्पेशली हम लोको पायलट को पढ़ाते हैं, और आप हमारे बारे में जान लिए, हम 2014 में लोको पायलट बने थे आर्मी मुजफ्फरपुर से, फिर 2018 में भी बने, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि वो हमको बनना नहीं था, हमको बस टीचिंग में इंटरेस्ट था। और हम सोच रहे थे चलो यार हज़ारों स्टूडेंट को हम इसमें नौकरी दिलाते हैं। पिछले 2-3 वैकेंसी जो की है ELP टेक्नीशियन, फिर NTPC 2016 वाली, इसका फिर देखिए RPF SI की वैकेंसी निकली थी, इसके बाद फिर ग्रुप डी वैकेंसी, हम 4 वैकेंसी को कवर कर चुके हैं। चारों में लगभग हज़ारों की संख्या में हमारे पास स्टूडेंट का रिजल्ट आया है। ऐसा लगभग में यूँ समझ कोई भी ऐसा रेलवे स्टेशन नहीं होगा जहाँ पे हमारे से पढ़े हुए स्टूडेंट या फिर हमारे से गाइड किए हुए स्टूडेंट जॉब नहीं कर रहे होंगे। सब जगह पे है, अब तो हमारे पास इतनी सारी एक्सपीरियंस होगी, हम स्टूडेंट लोगों का फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, इतने सारे लोग हमसे बात करते हैं, फ़ोन करते हैं। और आप हमारे मास्टर नोट्स को लेकर के 90% तक श्योर गारंटी वाली आप इस कोर्स को कर लीजिए, ये सभी बुक्स को आप ले लीजिए, फिर आपकी तैयारी बिल्कुल हो जाएगी। अब दूसरी बात, आपको पढ़ाई कैसे करनी, कौन से कोचिंग को इस्तेमाल करना है, आपको देखिए इसकी तैयारी जो करनी है वो कहाँ से करनी है। तो सबसे पहले तो कि आपके पास बुक्स हो, चाहे मास्टर नोट्स कर लीजिए या फिर आप कोई और पब्लिकेशन लीजिए, वो बुक्स को आप सेल्फ स्टडी से पढ़ लीजिए, सेल्फ स्टडी या फिर ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी मतलब कम से कम 2 लोग हो, दोनों आपस में मिलकर के पढ़े, ग्रुप स्टडी का या फिर सेल्फ स्टडी का, यानी आपके पास जो एक बेसिकली बुक है उस बुक को आप तैयारी कर लीजिए, एक तरीका रहा। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको क्या है कि आप इसको कोई भी कोचिंग को, ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करिए, ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करिए, वहाँ के टीचर आपको उसकी तैयारी करवाएंगे। अब पता नहीं वो तैयारी करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे, कितने साल में तैयारी होगी, आपकी तैयारी होगी या फिर नहीं, वो कोचिंग आपके लिए सुटेबल होगा नहीं होगा, वो सब बात की बात है। ये है कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर तीसरा जो चीज़ है वो YouTube पे बहुत सारे लोग फ्री वीडियो बनाते हैं, आप उस वीडियो को देख करके बहुत सारे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो वो क्या है YouTube वीडियो। और चौथी जो चीज़ है जो कि हम करवाते हैं वो है स्मार्ट वीडियो कोचिंग। स्मार्ट वीडियो कोचिंग क्या होती है, स्मार्ट वीडियो जैसे कि हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, तो हम जो क्लास में पढ़ाए, हमारे पहले हॉस्टल था, हमारे पास पहले हॉस्टल था, उस हॉस्टल में स्टूडेंट लोग आते थे, उसको पढ़ाते थे, हम लोग हॉस्टल में चलाते थे पहले, अब हम हॉस्टल नहीं चलाते, उसको क्लोज कर दिए। हॉस्टल की जगह पे हमने क्या किया है, स्मार्ट वीडियो कोचिंग शुरू की है। इस स्मार्ट वीडियो कोचिंग में आपको क्या मिलती है, आपको एक एप्लीकेशन मिलती है, यानी कि एप्लीकेशन तो आप लोग समझते हैं एप्लीकेशन, हम आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाते हैं, फिर उस एप्लीकेशन में आपको जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं जो हमने आपको मास्टर नोट प्रोवाइड किया है, उसी मास्टर नोट्स का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिले, जैसे कि मैथ है, रीजनिंग है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, आपका ट्रेड टेस्ट, वो सभी का हमने वीडियो बनाया, उस वीडियो को हमने उस एप्लीकेशन में डाला, और आपको बस आपके फ़ोन में उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। आप जितने दिन चाहे उतने दिन उसमें पढ़ाई कर सकते हैं, जब चाहे तब पढ़ाई कर सकते हैं, बस आपको 1.5 से 2 घंटे की एक वीडियो आपको देखनी पड़ेगी एक चैप्टर की, और हमारा दावा कि आप 100% उसको सीख जाएंगे। तो अगर आपके पास आपकी तैयारी बिल्कुल 0 है, आपको मैथ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो आप हमारे इस एप्लीकेशन का यूज़ करके आप 100% इसको सीख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको बाद में नहीं आएगी, सीखने में कोई दिक्कत होगी नहीं, हमारे एक्सपीरियंस जितना सारा है स्टूडेंट के लिए भी। और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपका मैथ है, एक फॉर्मूला पे एक चैप्टर पूरा हम बनाते हैं, 75% ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको माइंडली बनाना सिखा देंगे, और कैसे एग्जाम होती है, जो भी आपको चीज़ें करनी है मैनेज, वो सब कुछ हम आपको सिखाते हैं इस एप्लीकेशन में। तो आप लोगों को अगर आपको बेस्ट तैयारी करनी है तो आप मास्टर नोट्स ले सकते हैं, वैसे आप कोई बुक्स ले सकते हैं, क्योंकि मास्टर नोट्स परफेक्ट है, हमने उसको बनाया है, वो आप लीजिए, और स्मार्ट वीडियो कोचिंग को ज्वाइन करिए, आपको अलग से कहीं भी कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ एक चीज़ अब आपको बता रहे हैं, आपके नज़दीकी शहर में कोई GT ग्रुप चलती हो या फिर कोई कोचिंग चलता हो, उसका क्या उपयोग होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके साथ नज़दीकी शहर में कोई भी कोचिंग है,
तो कोचिंग सेंटर में आपको ज्वाइन करना चाहिए, उससे हमको ये कोई फायदा नहीं है, लेकिन हम आपको बोले आपको कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको कोचिंग उस कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी करिएगा तो वो जो भी आप स्टडी करिएगा कम या ज़्यादा वो आप तक ही सीमित रहेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगी। अगर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करिएगा, भले ही आपको वहाँ का टीचर की पढ़ाई अच्छी नहीं लगे, आपको वहाँ पर टीचर अच्छा पढ़ाए या फिर ना पढ़ाए, लीग मतलब अलग मतलब कि लीग से हटके वो पढ़ाए, ज़्यादा डीप में पढ़ा दे या फिर बिल्कुल शॉर्टकट में निकाल दे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, उसके लिए हम आपको नहीं बोल रहे कोचिंग ज्वाइन करने के लिए। आप 2 या 3 महीने या 5 या 6 महीने आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, उससे क्या होगा कि वहाँ का जो लोकल स्टूडेंट होगा 100, 50, 200, 300 उस स्टूडेंट से आपकी जानकारी हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी, और आप अपनी तैयारी का जो कंपेयर है आप मार्केट से कर पाएंगे। अगर आपकी तैयारी वो सब स्टूडेंट से ज़्यादा होगी तो आप लोगों पर आराम से निकाल सकते हैं। और हमारा दावा है कि आप मास्टर नोट्स या फिर स्मार्ट वीडियो कोचिंग दोनों को ज्वाइन करिए, उसके बाद आप किसी भी स्टूडेंट से आप जाके के उसके साथ डिस्कशन करिए, तो आपकी जो नॉलेज होगी उससे 20 से 25% ज़्यादा होगी, आप उसके बीच में टॉपर बने रहिएगा, भले वो 10 साल पहले से क्यों ना तैयारी करता हो और भले ही आप 2 या 3 महीने हमसे क्यों ना पढ़ना जुड़े हों।